आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि थर्मल फ्यूज को हम किस प्रकार से चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको एक क्लाइमेटर चाहिए और क्लाइमेटर को आप कंटिन्यूटी रेंज पे, बजर रेंज पे लगा के हम इसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप थर्मल फ्यूज को कंटिन्यूटी रेंज पे लगा के आप चेक करेंगे तो इसमें कुछ कंटिन्यूटी की आवाज़ आएगी, बीप का साउंड आएगा, उसके साथ साथ कुछ वैल्यू आएगा। जैसे देख रहे आप वैल्यू आ रहा है 1.198, कुछ वैल्यू आ रहा है। तो इस कंडीशन में बीप के साथ कुछ वैल्यू आ रहा है तो हम उसे सही मानते हैं। और अगर हमारा फ्यूज़ जला हुआ है तो बजर नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा उसमें, तो हम उसे ख़राब मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसे चेक करते हैं बजर रेंज पे, तो उसमें से कुछ वैल्यू आ रहा है, जैसे कि इसमें आ रहा है, देखिए वैल्यू के साथ साथ कुछ बजर बज रहा है, तो हम इसे सही मानेंगे। और अगर ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा है, जला हुआ है, तो हम इसे ख़राब मानेंगे। बेसिकली इसका जो काम होता है, ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है ताकि आई की सर्किट ख़राब होने से इसे इसको बचा सके। इसीलिए किसी भी पीसीबी में, जैसे पीसीबी रखे पड़े आप देख सकते हो, तो उसमें साइड में एक थर्मल फ्यूज़ लगा हुआ है, जिससे कि ये पता लग रहा है कि ये ख़राब होने पर आई की सर्किट को ये बचा लेगा। तो हर पीसीबी में पीसीबी के मॉडल के हिसाब से थर्मल फ्यूज़ को एम्पियर के हिसाब से थर्मल फ्यूज़ को लगाया जाता है कि इतना एम्पियर ये लोड लेने पे ये ख़राब हो जाएगा और आई के सर्किट को ये बचा लेगा। तो बस इतना ही थर्मल फ्यूज़ का काम होता है, उसको चेक करने का प्रोसेस आप समझ गए हैं। सही होने पे बजर बजेगा और कुछ वैल्यू आएगा, ख़राब होने पर कोई वैल्यू नहीं आएगा।